नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लाइलाज बीमारी ओवरियन सिस्ट के बारे में। दोस्तों ये बीमारी महिलाओं में पाई जाती है। अगर शुरुआती स्टेज पर इसका सही रूप से इलाज नहीं करवाया जाए तो आगे जाकर सर्जरी की नौबत खड़ी हो जाती है। नमस्ते सर, मेरा नाम सरजू है, कलुना रहते हैं हम। गठान बताई थी, पहले बहुत इलाज कराया हमने तो आराम नहीं पड़ा। जिसके बाद मैं वहाँ गया था तो नंदोई जी तो उसने बात करी थी कि वहाँ से, तो फिर वहाँ गया था तो वहाँ से सर के वहाँ से आराम पड़ा। हाँ, उनने एक महीने की दवाई गोली दी थी फिर चोपड़ा के यहाँ कुछ भी नहीं बताया। बोले कि सब खाना खटे वाड़ा को हमने किया तो खटे वटे कुछ खाना के नहीं, तो क्योंकि सब खाना तो केरी एरी सब हमने तो सब खाई। हम तो दवाई भी पीरी ने केरी एरी सब खा ली। उनको सर 15 दिन की लाया दवाई गोली, और थोड़ी छाती में ही ऐसी गठान है। पहले एक थान में ऑपरेशन हो गया मेरे को, तो मेरे को अभी फिर इलाज करवाया था तो थोड़ा उससे आराम पड़ गया था। नहीं दवाई गोली खाई नहीं तो मेरे को पाछा दुखता था, तो फिर सर को बोला तो सर ने दवाई गोली दी पाछी कि बोले कि ये दवाई खा लो तो हो जाएगा आराम। हाँ अभी आराम है सर, धन्यवाद सर उनका। हाँ, ऑपरेशन से बचा दिया। नहीं सर मेरे को 3 ऑपरेशन हो गए, बड़ा हो गया और जिसके बाद बच्चा बच्ची का हो गया था, फिर गठान का हो गया छाती में। ये भी करवाना है, ये भी करवाने का था। तो फिर वही भैया के यहाँ माँ नहीं गई थी थोड़ी, तो वहाँ कार्यक्रम तो भैया के यहाँ, तो फिर हमने नहीं करवाया। फिर रिश्तेदार से पता चल गया तो फिर वहाँ ले गया था सर के वहाँ। लोगों के कहना चाहेंगे कि हम हमारे वहाँ से आराम पड़ गए, इंदौर से चोपड़ा साहब के यहाँ से वहाँ अच्छा इलाज चल रहा है, वहाँ से दवाई गोली लाओ आप।